हाथ विच हाथ हे गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो आपको ये बताने वाला अपने टाइटल और थंबनेल में यहाँ पे देख लिया होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपने इस वीडियो की शुरुआत में जो वीडियो देखी आप उस तरीके की वीडियो कैसे क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे क्या हो रहा है, इंस्टाग्राम रील्स पे काफ़ी उस तरीके के ट्रेंड का काफ़ी वीडियो वायरल हो रही है और आप भी उस तरीके की वीडियो बना के अच्छे खासे व्यूज़ लेके आ सकते हो इंस्टाग्राम रील्स पे। तो आपने यहाँ पे दोस्तों उस तरीके की वीडियो कैसे क्रिएट करनी है, कैसे बनानी है, कैसे जो यहाँ पे अपलोड करनी है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग वाला है, इस तरह से नॉलेज उन्होंने, तो वीडियो पूरा एंड देखते रहना। अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके पहले आपको प्रेस कर लिया। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने VN ऐप को डाउन कर लेना है अगर आपने नहीं किया है तो। उसके बाद आपने करना है, लिंक आपको एक नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उस लिंक पे आपने क्लिक करना है। आपने जो वीडियो शुरुआत में देखी उस वीडियो को आपने डाउन कर लेना है क्योंकि उस वीडियो को हमें म्यूजिक जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे अब आपने यहाँ पे क्या करना है, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, और यहाँ पे आपने क्या करना है, एक ऐप को डाउन करना है, इसका नाम है CapCut। इसको भी आपने यहाँ पे डाउन कर लेना है, आप प्ले स्टोर पर जाके आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने जो है VN ऐप को ओपन करना है। देन अब आपने यहाँ पर करना है, आपने करना है जो भी फोटो का आप बनाना चाहते हो, सिंपल से क्या करना है, आपने एक ही फोटो पर लेनी, सिर्फ यहाँ पे प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना है, देन न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। एंड यहाँ पे आपने एक भी जो भी आप फोटो लेना चाहते हो उस फोटो यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं फटाफट से एक फोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद आपको आगे बताता हूँ। एंड देन मैंने यहाँ पे फोटो सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे नीचे एरो पे क्लिक करना है यहाँ पे, और फटाफट से यहाँ पे क्लिक करता हूँ। आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, ये करना आपने फोटो को थोड़ा सा बड़ा कर लेना, इतना थोड़ा सा आपने बड़ा कर लेना, और एंड में जो ब्लैक ब्लैक सा पार्ट है उसको कर लेना डिलीट। एंड यहाँ पे आपने ऊपर क्लिक करना है ओरिजिनल पे, यहाँ पे आपने करना है 9:16 रेशियो को सिलेक्ट कर लेना है। एंड अब आपने करना है यहाँ पर थोड़ा सा इतना आपने यहाँ पे लेना है इतना, और यहाँ पे एक लगा लेना है। यहाँ पे कट लगा जाओ तो कट भी आप लगा सकते हैं, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल करना है, आपने इस पर क्लिक करके नीचे FX पे क्लिक करना है यहाँ पे। एंड यहाँ पे आपने करना है एक FX को सिलेक्ट करना है, कौन सा FX सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे आपने स्ट्रोक नाम का इफेक्ट मिलेगा आपको, इसको लगा देना है और इसकी थोड़ी सी लेंथ को थोड़ा सा इतना बढ़ा देना है, इतना जितना मैंने बढ़ा रखा है। उसके बाद यहाँ पे आपने करना है इसको चला के देखना है इतना, तो यहाँ पे आप जैसे इस तरह का यहाँ पे इफेक्ट आ रहा है, आपने करना है इसको एक्सपोर्ट कर लेना है, इतने को आपने एक्सपोर्ट कर लेना है। देन एक्सपोर्ट करने के बाद आपने यहाँ पे करना है, मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेते हैं हमारी वीडियो को एक्सपोर्ट होने में। देन यहाँ पर मेरी जो वीडियो है वो एक्सपोर्ट हो चुकी है, और अब आपने करना है आपने इसको हटा देना है और यहाँ पर CapCut जो ऐप है इसको ओपन करना है। देन यहाँ पर जो भी आपकी वीडियो होगी वो वीडियो को यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है इस तरीके से, उस वीडियो को आपने ढूंढना है। तो फोटो से वीडियो में सेलेक्ट, तो यहाँ पे मेरी वीडियो यहाँ पे सेलेक्ट होगी, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर लेता हूँ, और यहाँ पे हमारी वीडियो जो ऐड हो जाएगी। और उसके बाद मैं आपको बता दूँ आपने यहाँ पे क्या करना है, तो हमें हमारी वीडियो जो ऐड हो रही है देख सकते हैं आप लोग, और ब्लैक सा पार्ट इसको कर देना है डिलीट, और यहाँ पे करना है ये जो फोटो थी इसको ऐड कर लेना है, यहाँ पे एक फ़ोटो को और ऐड कर लेना है क्योंकि मेरी वीडियो थोड़ी छोटी बन गई थी। तो अब मैं फोटो को ऐड कर लेता हूँ उसी वाली फ़ोटो को। तो गाइस यहाँ पे मैंने उसी फ़ोटो को दोबारा से ले लिया है, तो यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ फटाफट, क्योंकि दोस्तों मैंने इसलिए लिया क्योंकि मेरी वीडियो थोड़ी छोटी बन गई थी, इसलिए मैंने यहाँ पे ले लिया। अब आपने यहाँ करना है, देख सकते हैं आप, ये इफेक्ट यहाँ पे आ चुका है क्योंकि इस ऐप में जो यहाँ पे ये वाला इफेक्ट नहीं है, इसलिए मैंने वहाँ से इफेक्ट लेके यहाँ पे लेके आया हूँ। अब आपने करना है, आपने जो वो वीडियो डाउनलोड की थी उसका हमें म्यूज़िक की जरूरत पड़ेगी। आपने करना है यहाँ पे ऐड म्यूज़िक पे क्लिक करना है, नीचे साउंड पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन आएगा फेवरेट, इस पे जाएंगे योर साउंड पे, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा एक्स्ट्रा साउंड फ्रॉम वीडियोस पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे जो वीडियो होगी अपने मैं जो मैंने डाउन करने के लिए कहा था उसका हमें लिंक चाहिए, तो इस पर क्लिक करना, नीचे इम्पोर्ट साउंड पर क्लिक कर देंगे। देन आपके सामने देखिए ऊपर जो है ये म्यूज़िक आ जाएगा, यहाँ पर आ चुका है देख सकते हैं। इसके बाद प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ पर हमारा म्यूज़िक जो आ चुका है देख सकते हैं आप लोग, और म्यूज़िक के बराबर आपने वीडियो को रहने देना है इस तरीके से। एंड यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, इस तरीके से हमारा जो बन चुका है। एंड अब आपने क्या करना है, आपने इस पर क्लिक करना है, देन यहाँ पे एनिमेशन पे क्लिक करना है, देन नीचे कॉम्बो पे क्लिक करना है। एंड यहाँ पे आपने एक इफेक्ट लगाना है, वो कौन सा इफेक्ट लगाना है मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों आपको एक इफेक्ट मिलेगा ये वाला वेबल करके, WOBBLE, इस तरह का आपको इफेक्ट मिल जाएगा, इसको आपने लगा लेना है। यहाँ पे चेक वाले साइन पे क्लिक कर देना है। एंड अब आपने यहाँ पे करना है, मैं आपको बताता हूँ। एंड नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा इफेक्ट्स का, यहाँ पे इफेक्ट्स पे क्लिक करेंगे यहाँ पे। एंड यहाँ पे आपको इफेक्ट लगाना है, कौन सा इफेक्ट लगाना है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों आपको एक इफेक्ट मिल जाएगा देख सकते हैं आप लोग, METER मीटर करके यहाँ पे इफेक्ट मिल जाएगा यहाँ पे इस तरीके से। इस तरीके से आपने इस इफेक्ट को यहाँ पे यूज़ कर लेना है। एंड यहाँ पे क्या करना है, इसको चेक वाले साइन पे क्लिक कर देना है। देन यहाँ पे इसके लेंथ को पूरा फुल वीडियो तक यहाँ पे बढ़ा लेना है इस तरीके से। तो यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ पे बना सकते हो, मैं आपको यहाँ पे चला के दिखा दूंगा, और इसका म्यूज़िक थोड़ा दोस्तों ऑफ कर दूंगा क्योंकि
कॉपीराइट इशू है, तो यहाँ पे मैं आपको चला के दिखाता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से कुछ लुक नज़र निकल के आएगा। उम्मीद दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, कमाल की लगी होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए वंदे मातरम।